हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दिल्ली मेट्रो लाइफ लाइन। आज हम आपको ले चलेंगे नोएडा के सेक्टर 34 मेट्रो स्टेशन की यात्रा पर। चलिए शुरू करते हैं। नोएडा सेक्टर 34 मेट्रो स्टेशन ब्लू लाइन का हिस्सा है, जो दिल्ली और नोएडा को जोड़ता है। यह स्टेशन बहुत साफ सुथरा और आधुनिक सुविधाओं से लैस है। स्टेशन पर एक्सेलेटर लिफ्ट की सुविधा उपलब्ध है। इसके अलावा आपको प्लेटफॉर्म पर वाईफाई और बैठने की भी व्यवस्था है। यह स्टेशन कई कॉरपोरेट ऑफिसेस और रेसिडेंशियल सोसाइटी से भी जुड़ा हुआ है। यात्रियों की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरा और सुरक्षा कर्मी हमेशा तैनात रहते हैं। अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल दिल्ली मेट्रो लाइफ लाइन को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहिए लास्ट तक। यहाँ पर आपको टिकट काउंटर और ऑटोमेटिक टिकट मशीनें भी उपलब्ध है। आप अपनी मेट्रो टिकट अमेजन पे के माध्यम से बुक कर सकते हैं। DMRC स्मार्ट कार्ड को रिचार्ज करने के लिए अमेजन पे का उपयोग कर सकते हैं। आप अमेजन पे ऐप का उपयोग करके मेट्रो के QR कोड टिकट बुक कर सकते हैं। नोएडा सेक्टर 34 प्लेटफॉर्म नंबर 1 से नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी तक जाती है और प्लेटफॉर्म नंबर 2 से द्वारका सेक्टर 21 की ओर जाती है। नोएडा सेक्टर 34 मेट्रो स्टेशन की कुछ ही दूरी पर शॉपिंग मॉल्स, कैफे और ऑफिसेज हैं। अगर आप शॉपिंग के शौकीन हैं तो सेक्टर 18 के बाजार यहाँ से नज़दीक है। सेक्टर 34 मेट्रो स्टेशन पर सुबह और शाम के समय भीड़ का अनुभव काफ़ी अलग हो सकता है। सुबह ऑफिस जाने और स्कूल कॉलेज के लिए निकलने वालों की वजह से पीक आवर्स में काफ़ी भीड़ होती है। शाम के समय ऑफिस छूटने और घर लौटने वालों की वजह से भीड़ दोबारा बढ़ जाती है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का ब्लॉग नोएडा सेक्टर 34 मेट्रो स्टेशन के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा।